वहीं सावन का आज पहला सोमवार है। मध्य प्रदेश के महाकाल और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सपरिवार महाकाल की पूजा की और ये तस्वीरें उस दौरान की, भगवान महाकाल से प्रार्थना की कि वो सभी को विपत्तियों से लड़ने की शक्ति दें, मध्य प्रदेश और देश का कल्याण करें। ये तस्वीरें जब प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सपरिवार वहां पूजा अर्चना करने पहुंचे। प्रदेश में गरीबों के लिए खराब चावल की सप्लाई का मामला 10 महीने बाद फिर सामने आया है, जहां जबलपुर से 2600 टन चावल पीडीएस के जरिए रतलाम भेजा गया और जिसमें फंगस घुन लगा हुआ है। इस मामले को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री से खास बातचीत की। फिर गरीबों को बांटे जाने वाले राशन की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 2600 टन चावल जो था उसके अंदर इल्लियां मिली हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं बिसाहूलाल जी, से बात करेंगे। सर, लगातार इस तरह की चीजें सामने आती है, एक बार फिर जो गरीब है उनको राशन में फिर से एक बार इल्ली मिली है। आज ही सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि जबलपुर से जो चावल रतलाम भेजा गया है वो इल्ली और ये कीड़ा युक्त चावल। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह के चावल जो भी भेजा होगा उसको किसी हालत से गरीबों में नहीं बंटने दिया जाएगा। आज ही मैं कलेक्टर और वहाँ के अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि उस चावल को रोकिए, नंबर एक। नंबर अगर दूसरा कि अगर वहाँ कोई इस तरह से घपला किया है ट्रांसपोर्टर, हमारा विभाग ट्रांसपोर्ट करके चावल भेजता है रैक के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से। जबलपुर से इस चावल को वहां पर ट्रांसपोर्ट किया गया था, पहले भी 2020 में भी जबलपुर में इस तरह के मामले निकल कर सामने आए थे जहां से भोपाल भेजा गया था कीड़े युक्त चावल। क्या लगता है जबलपुर में जांच कराने की जरूरत है? अगले बार बालाघाट में ही शिकायत मिली थी और उसी शिकायत में हमने जांच कराई, 6 अधिकारी दोषी पाए गए, सबको हमने निलंबित किया। इसी के साथ अन्न दिवस मनाने जा रहे हैं आप लोग, 7 अगस्त को होगा, थैले में जो खाजा गरीब हैं उनको राशन दिया जाएगा। इस बार ये तय हुआ है कि 5 महीने का राशन, 2 महीना सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे हैं गरीबों को, और 3 महीने का हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री दे रहे हैं पात्र हितग्राहियों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में एक भव्य कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, ये व्यवस्था इस बार की जा रही है। सर, आप लोग हितग्राहियों के बारे में सोच रहे हैं लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि तस्वीर लगा के कहीं ना कहीं ब्रांडिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ब्रांडिंग वांडिंग नहीं, जो अगर हमारा विभाग या मध्य प्रदेश सरकार कोई काम कर रहा है तो उसमें विपक्षियों को क्या आपत्ति होनी चाहिए, तुम भी अपना करो। छत्तीसगढ़ में फोटो नहीं लगाई गई है, पीएम मोदी की यहाँ पर लगाई है, क्या लगता है वहाँ पर दिखाना नहीं चाहते? छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि जो 2 महीने का राशन प्रधानमंत्री दे रहा है उसको छिपा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे बीच में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि कोई भी ऐसा दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ यदि केंद्र सरकार के द्वारा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है तो उनकी फोटो लगाने में क्या दिक्कत है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी भोपाल। तो वहीं टीकमगढ़ के स्वयंभू भगवान कुंडेश्वर की पूजा की जाती है। ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में पूजा करने पर यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। वहीं इस मंदिर को लेकर लोगों का ये भी कहना है कि भगवान कुंडेश्वर की यहाँ पर द्वापर युग से पूजा की जा रही है। उस समय यहाँ पर बाणासुर की बेटी उषा ने इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या की थी और ऐसा भी माना जाता है कि आज भी उषा भगवान शिव का जल अर्पित करने आती है लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पाता है।
आपको बता दें कि कुंडेश्वर स्थित देवाधिदेव महादेव आज भी शाश्वत और सत्य हैं। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि हर साल चावल के बराबर ये शिवलिंग बढ़ता है। अनासुर की बानपुर में बच्ची थी तो वो आती थी रात के 12 बजे जल चढ़ाने के लिए, तो भोयरो बनो बानासुर बानपुर से कुंडेश्वर तक का, तो ब्याह से आने के भी आए तो बेटी को गंगा माई किनारा दे देती, तो भी कुंड में जाके जल चढ़ा उठती 12 बजे। तो कुछ दिन में उनकी अम्मा को पता पड़ा, फिर पड़ गया उनको पिताजी को पता, तो पिताजी को पता पड़ा तो भी साथ में आए तो उनको जल नहीं दिया गंगा माई ने, बेटी को किनारा दे दिया। फिर ये पहले यहाँ पर गांव था तो एक डुकरिया ओखली होती ना, ओखली में धान कूट रही थी तो कूटते कूटते उसके रंजे चावल हो गए, खून से सन गए थे, तो एक कूड़ा को ढाक करके पुड़ा पड़ोसियों को बुलाने गई, तब तक ये उठा लिए थे, तो पहला नाम इनका कूड़ा देव। फिर राजा ने कहा इस बात को हम नहीं मानते, तो राजा ने खुदाई की है तो 25 फीट तक इसका प्रमाण है कि 25 फीट तक ये मूर्ति प्रमाणित है। इसके बाद वहाँ दलदल आने लगा और उन्होंने राजा को पलंग से पटका, इसके बाद उन्होंने कहा कि आप तो मंदिर बनवाएं, तो उन्होंने छोटा सा मंदिर बनवाया था। वहीं मंदसौर में सावन के पहले सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई। आपको बता दें भगवान महादेव की आराधना के सावन महीने को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर को विशेष तौर पर सजाया गया है, साथ ही गर्भगृह में भी साज सज्जा की गई है। सावन महीने में दर्शन करने आने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से 41 कमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 41 कैमरों की मदद से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है जो हर हरकत पर नजर रखेंगे। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर में परिसर में श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। परिसर में भक्तों को मास्क लगाकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जबकि गर्भगृह में भी अब भी प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आपको बता दें कि मंदसौर में स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सावन महीने में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। एक माह में ही 1 लाख से ज्यादा भक्त भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। तो वहीं इंदौर में अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी ने होटल सयाजी में प्राइड अवार्ड का कार्यक्रम रखा, जिसमें कोरोना काल में सेवा करने वाले 22 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा को आमंत्रित किया गया और उन्होंने सभी को अवार्ड देकर सम्मानित किया। वहीं सोसाइटी की डायरेक्टर मुस्कान भारतीय ने बताया कि जिन्होंने कोरोना काल जैसी आपदा में अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई और अपने कर्तव्यों का पालन किया, उन लोगों का सम्मान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर, पुलिस विभाग के अधिकारी और दूसरे लोग भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुस्कान ग्रुप कोरोना काल में भी लोगों की सेवा के लिए आगे आया था और आगे भी इसी तरह मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी का ये कार्य जारी रहेगा। जो अभी हम लोग कोरोना जैसी हम बोल सकते हैं कि भयंकर महामारी जो थी, तो उससे अभी हम लोग उभरे हैं और उस समय जितने भी लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर नहीं निकल रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं हमारे भी जान का जोखिम है, तो बहुत सारे जो लोग कोरोना से पीड़ित हो गए थे उनके खुद रिश्तेदार वगैरह भी आगे नहीं आ रहे थे, उस समय में कुछ लोगों ने बहुत फ्रंट में आकर वर्क किया, जैसे डॉक्टर्स है, पुलिस है और इसके अलावा कुछ समाजसेवी संस्थाएं हैं, तो उन सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए ताकि आगे और अच्छा वर्क वो करे और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने ये सम्मान समारोह रखा था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।